व्यालोकान मुक्ता भोगान सर्वान् विशेषान् मधुर माया भोजयन् माया संख्यातुरीयं परमहितमजं ब्रह्मचत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक को उपनिषद के द्वितीय प्रकरण वैतर्थ प्रकरण उसके ऊपर विचार करते हुए अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे जहाँ पे दोनों प्रकरण में पहला प्रकरण में जगत की मिथ्या प्रतिश्रुति वाक्य की आधार पर सिद्ध है और द्वितीय प्रकरण में आकर के उसको युक्ति के आधार पर सिद्ध करते हैं। श्रुति वाक्य क्या क्या दिया है और भेद बुद्धि की निंदा भी किया मृत्यु समृत्यु आत्मा की जो है नाना ही पश्यति। इस प्रकार जहाँ पे नाना तो नहीं है भिन्नत्व तो नहीं है वहाँ पे जो अलग अलग देखते हैं वो जन्म मृत्यु चक्र में घूमते हैं। इस प्रकार श्रुति वाक्यों के आधार पर और यहाँ भी आचार इस प्रकार से जो वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी में श्रुति वहीं पे निषेध कर दे रहा है। ये एक मिथ्यात्व का लक्षण है कि जहाँ पे जो वस्तु दिखाई दे रहा है उसी स्थान में जब उस वस्तु का निषेध हो जाता है तो वो वस्तु पारमार्थिक नहीं है प्रातिभाषिक है अनशत अनुभव में आता है। जिस रज्जु के ऊपर हमको सर्प दिखाई पड़ रहा है उसी रज्जु के ऊपर जब सर्प हम निषेध कर देते हैं यहाँ पर सर्प नहीं है यानी कि उस सर्प प्रातिभाषिक होगा। ठीक इसी प्रकार इस जगत को जाकर स्वप्न सुषुप्ति की अवस्था को श्रुति स्वयं के अधिष्ठान आत्मा के ऊपर निषेध करती है इसीलिए ये जगत की श्रुति वाक्य के आधार पर फिर जब युक्ति के आधार पर आए तब वहाँ पे क्या होता है कि मतलब मिथ्या दृश्य पाद स्वप्न विवादास्पद ये जगत परमार्थिक सत्य नहीं है क्यों दिखाई देने के कारण ये सबसे बड़ी समस्या के कारण है। हम लोग सोचते हैं दिखाई दिया इसीलिए सत्य है और शास्त्र क्या बोलते हैं दिखाई दे रहा है इसीलिए मिथ्या है। इसके साथ और भी जड़त्व परिच्छिन्नत्व और अनुपयुक्त देशत्व अनुपयुक्त कालत्व और इसी के साथ मतलब सहकारी के प्रमाण के द्वारा पुष्ट नहीं होना ये कई हितों के मतलब वाक्य से जगत के मिथ्यात्व युक्ति के आधार पर सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार हमारा शास्त्र कहता है सामने केवल मात्र असंभव पूर्ण व्यापक आत्मा है तो हमें क्या दिखाई पड़ रहे हैं कि यहाँ पे पहाड़ नदी मकान दुकान ये दिखाई पड़ती हैं। जिस प्रकार सामने एक सर्प रज्जु पड़ा हो सामने एक मान लीजिए शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ है भ्रांति से मैंने उसको रुपया समझ लिया भ्रांति से उसको रुपया समझ लिया परंतु जब हम स्वयं आगे जाकर के देखते हैं तो एक हाथ लगाते हैं तो वहाँ पे एक शीशे का टुकड़ा हाथ में लगता है हम स्वयं निश्चय करते हैं कि जिस समय मुझे यहाँ पे रुपया की भ्रांति हो रही थी उस समय भी रुपया वहाँ नहीं। इस प्रकार की वस्तु को यहाँ पे सिद्ध करके ग्रंथ का अंतिम में आकर के एक उपसंहार श्लोक के रूप में लिख दिया है और भी है इसका न निरोध न च उत्पत्ति न बद्ध न साधक न मोक्ष न विमुक्त इत्येषा परम है ना। ये जगत को नाश जिसको रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प वो एकमात्र ज्ञान से ही नाश होता है उसके ऊपर कितना भी लट्ठी चला कर लट्ठी दे करके जाए कुछ काम करने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास बहुत जन्म अनाधिकार से अविद्या है इस अविद्या को कैसे नाश करेंगे कैसे जाएगा इतना जन्म संचित करना उसका नाश होना तो संभव ही नहीं है। इस प्रकार जो भ्रांतियात्मक बुद्धि हमारे अंदर बैठा हुआ है श्रुति अपने आप एक बात से निश्चित कर देते हैं कि ये सब चीज जब कल्पना है ना कभी उत्पत्ति हुई न कभी नाश होना संभव उत्पत्ति नहीं है तो नाश भी नहीं है तो अंदर जो छह भाव विकार में से जो दो को तो कह दिया सृष्टि और लय तो बीच में जो अस्थि बद्ध थे विपरीत में तो अपेक्षित ये भाव विकार भी आत्मा में नहीं है
ये सब भाव विकार शरीर में दिखाई पड़ते हैं, मन उपाधि में दिखाई पड़ता है, उपाधि के धर्म को आत्माएं आरोप करके ऐसा भाव रहते हैं। इस प्रकार से जो है कि आप अगर आपको हम प्रश्न पूछते हैं तो आप बोलते हैं गर्जु को सर को दिखाई दिया, ये सर को कहाँ उत्पत्ति हुई, गर्जु में सर को या मन में, अथवा मन और गर्जु दोनों जगह पर मिला करते कहाँ की उत्पत्ति, मन तो कल्पना किया उत्पत्ति तो वहाँ पर हुई नहीं, राज्य में उत्पत्ति हो तो सबको दिखाई देता, और मन में ये पारमार्थिक उत्पन्न हुई होती तो हमको या तो उसी समय डस के मार दी हो, और यदि एक ही भ्रांति की वस्तु दो अधिष्ठान में देखना ये भी संभव नहीं है, इसीलिए उत्पत्ति होना तो संभव नहीं है ऐसा निश्चय करने के बाद ठीक है। यदि शास्त्र इस प्रकार से द्वैत के अभाव को प्रतिपादन करना चाहते हैं तो अद्वैत कैसे सिद्ध होगा, अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी, उसके लिए तो कोई प्रमाण नहीं रह जाएगा, जब अद्वैत सिद्धि के लिए कोई प्रमाण नहीं रह जाएगा तब क्या हो जाएगा, शून्यवाद की प्रसिद्धि होगी, तो शून्यवाद की प्रसिद्धि होने मतलब ये कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर जगह में भ्रांति स्थल में ये दिखाई देता है, क्या दिखाई पड़ता है, भ्रांति के बाद और भ्रांति के अधिष्ठान रह जाते हैं, अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है। इस प्रकार से आपने देखा है आत्मा द्वैत भ्रांति के अधिष्ठान होने के कारण उसकी कभी भी लोप नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे शून्यवाद की प्रसन्न नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है, बात की साक्षी के रूप ये यहाँ पे जो मैं यहाँ पे रज्जु ऊपर सर को दिखाई देख रहा था वही मैं क्या करता हूँ, ये सर को यहाँ पे नहीं है उसके साक्षी के रूप में मैं यहाँ पे विद्यमान रहता हूँ, बात की साक्षी के रूप में हमारी विद्यमानता जो शून्यवाद के निषेध होता है। और तृतीय भी और होते भ्रम उत्पत्ति, भ्रम उत्पत्ति से पूर्व भ्रम उत्पत्ति, भ्रम सदस्य करता चाहे वहाँ पर मैं सर को देखा चाहे नहीं देखा उसके पहले अपने अस्तित्व में पहले सिद्ध हो जाता मैं हूँ। इस प्रकार से शून्यवाद की प्रसिद्धि तो कभी नहीं होगा। पेज 114 देखिए यहाँ से आज का पाठ शुरू होगा, ठीक है ना, ठीक है, हमने पढ़ ली थे पहले लाइन, आत्मन द्वैत भ्रम अधिष्ठान तेन संभावित पहला विषय, ठीक है ना, अभी शून्यवाद की प्रसंग ही नहीं होगा क्योंकि आत्मा क्या होगा द्वैत भ्रांति के अधिष्ठान के रूप में, क्योंकि अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है, तो कोई एक अधिष्ठान तो चाहिए, वही आत्मा है, वही मैं हुआ तो ब्रह्म है, इस प्रकार से उसका संभावना है निश्चित ही है, इसीलिए शून्यवाद की प्रसंग नहीं हुआ। सेकेंड बात साक्षी तेन परिशिष्ट बात हो जाने के बाद जिस चीज को हमने निषेध किया, हर चीज को निषेध करते करते बाहरी वस्तु को निषेध कर रहे, ये पहाड़ मैं नहीं हूँ, नदी मैं नहीं हूँ, मकान मैं नहीं, आश्रम मैं नहीं हूँ, ये टेबल चेयर ये कुछ मैं नहीं हूँ, ऐसा करते करते अपने शरीर में भी जब ये मेरा शरीर है बोलते हैं तब ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये कुर्ता मेरा है और मैं कुर्ता नहीं, इसी प्रकार से शरीर में है इसलिए शरीर भी मैं नहीं हूँ, धीरे 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 अंदर आते जाते अपने अहंकार तक हम देख सकते, अपने अहंकार तक हमको जब परिचय जब हम बात करते थे कि बात का साक्षी रूप में कोई रहता है, इसीलिए आत्मा शून्यवाद की शक्ति कभी नहीं आएगा। और किसी वस्तु को देखने से पहले एक दृष्टा कहने चाहिए, अब दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता, दृष्टा यदि दृश्य हो जाए ना कोई दृश्य कभी सिद्ध ही नहीं कर पाओ, क्या बोला, दृष्टा यदि दृश्य हो जाए तब क्या होगा, कोई दृश्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि दृश्य तो दृष्टा से सापेक्ष में सिद्ध होता है, अब दृष्टा भी दृश्य बन गया तब कोई दृश्य सिद्ध नहीं होता, इसीलिए एक दृष्टा न तो अस्ति दृष्टा दृष्टि दृष्टारम्भ पश्य न ही दृष्टि दृष्टारम्भ पश्य, दृष्टि का भी जो दृष्टा है उसको कभी नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार से स्थिति ने आत्मतत्व को प्रतिपादन किया। आप जो है परंतु आप ये जिस रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर को भ्रांत सर, वो रज्जु प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता कि नहीं, क्या बोले क्या आपको पूर्वज बोले थे प्रत्यक्ष भ्रमण के द्वारा रज्जु सिद्ध होता है और फिर उस रज्जु को प्रमाण के, किसी प्रकार आत्मा तो आपका किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होता, तब कैसे हो भ्रांति का दृष्टांत, इसीलिए हमारे सामान्य दृष्टांत तो राष्ट्रांत में ये दिखाई पड़ता है, भिन्नता ये दिखाई पड़ता है कि जो रज्जु हमको जिस रज्जु को हमारी भ्रांति होती है उस रज्जु किसी न किसी प्रमाणांतर क्रम में होता है, तो किसी प्रकार से आत्मा यदि समस्त भ्रांति के अधिष्ठान होगा वो भी किसी न किसी प्रमाण के द्वारा जानना चाहिए, तो आपके सिद्धांत का अंश क्या है, आत्मा प्रमाण गम्य वस्तु नहीं है, प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती, इसको पारमार्थिक सत्य वस्तु इसको मन में रखते हुए देखिए आप बोलते हैं आप है
भाष्य में देखिए, टीका में देखिए, पहले टीकाकार जो भाष्यकार भी उपदाते हैं, पहला लाइन हमने पढ़ लिया, आत्मन द्वैत ब्रह्म अधिष्ठातेन संभावितत्व, शून्यवाद की प्रसिद्धि नहीं हो सकता, पहला हेतु। बाद साक्षित्वेन परिशिष्टत्व, दूसरा हेतु, बाद की साक्षी के रूप में अधिष्ठान के रूप में विद्यमान रहता है, और तीसरा हेतु, पूर्वम भ्रम उत्पत्ति, भ्रांति से पहले अपनी स्वतः सिद्धता, मैं हूँ मेरे को भ्रांति हुई थी, भ्रांति से पहले अपनी अस्तित्व सिद्ध हो जाती, इसलिए चौथे तीन हेतु के कारण प्रमाण और विषय से अभी यदि प्रमाण के विषय नहीं भी होता है फिर भी शून्यवाद की प्रसिद्धि तो नहीं हो सकता, शून्यवाद अविषय नास्ती शून्यता उत्तम, ऐसा अभी तक कहा गया। परंतु इदानी प्रमिते धर्मिणी प्रतिषेध दर्शना आत्मन अप्रमितत्वे तत्र द्वैत अभाव प्रमापकम शास्त्रम अयुक्तमिति शंका। तब शंका करने वाले बोल रहे हैं, प्रमिते धर्मिणी, जिस धर्मी के ऊपर आप उस आरोप कर रहे हो वो प्रमाण के द्वारा सिद्ध होने पर ही, ठीक है ना, प्रमिते धर्मिणी से जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध होने पर, इसमें तीन नंबर टिप्पणी होते हैं, प्रमाण सिद्धि प्रतिषेध दर्शन, उसी में निषेध किया जाता है, यहाँ पे इस सर्प में रज्जु नहीं है, इसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया। आत्मन अप्रमितत्व, आत्मा तो किसी प्रमाण का विषय नहीं होता, तत्र द्वैत अभाव प्रमापकम, इसीलिए इस आत्मा में द्वैत का अभाव है, इस प्रमाण प्रमाण करने वाला शास्त्र तो कुछ है नहीं, अयुक्तम इसलिए प्रमाणित नहीं हो पाएगा, अयुक्तमिति शंकते, इस प्रमाण में व्यक्ति ने शंका उठाते हैं। अब भाष्य में आए, कथम पुनः स्वरूपे व्यापार अभावे शास्त्रस्य द्वैत विज्ञान निवर्तकत्व, जब स्वरूप में शास्त्र का कोई व्यापार होना, स्वरूप के बारे में नहीं कुछ उसको प्रमाण के द्वारा नहीं कह सकता है, कि कथम पुनः स्वरूपे व्यापार अभाव, आत्मस्वरूप में व्यापार का अभाव होने पर शास्त्र शास्त्र आत्मा को ऊपर दिखाई दे रहा है द्वैत प्रपंच, उसका निवर्तक कैसे हो सकता है, शास्त्रस्य द्वैत निवर्तकत्व कथम भविष्य, है ना, मतलब जिस रज्जु के ऊपर आपको सर्प को दिखाई दे रहा है वो रज्जु ब्रह्मांड के द्वारा सिद्ध नहीं होने पर वहाँ पे उसका ऊपर कल्पित सर्प का निवर्तक कैसे हो सकता है, शास्त्र वो तो कोई ना कोई प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए, ऐसा करके पूर्व वाली शंका करने पर बोलते हैं, निश्चय कुछ इसमें कोई भारी दोष नहीं है, कि हमें कल जो उन्दी भी निष्ठांत से बताया था, सामान्य रूप से भ्रांति कहाँ पे होती है, भ्रांत भ्रांत दृष्टा भिन्न है, अपने सामने कोई वस्तु को ठीक से नहीं समझ पाने के कारण उसको गलत समझ लेते हैं, ठीक है ना, मतलब दृष्टा और दृष्टि भिन्न होता है, परंतु यहाँ पे जिसके द्वारा जिसको हम समझाना चाहते हैं वहाँ पे तो आत्मा एक ही है, जो दृष्टा है वही दृश्य है, तो यहाँ पे कैसे हो पाएगा ये, और आत्मा तो कभी विषय नहीं बनता, सामने कोई विषय दिखाई देता वहाँ पर भ्रांति होना संभव है, आत्मा तो विषय बनता ही नहीं है। तो भगवान हरि अभ्यास भाष्य में लिखे कि जरूरी नहीं है कि सामने वस्तु दिखाई दे तभी हम अभ्यास करेंगे, क्या प्रमाण दिया था उसके पक्ष में, जरूरी नहीं है कि सामने वस्तु दिखाई दे तब आप उसी का अभ्यास करेंगे, ये नियम हर जगह पे नहीं करते, आकाश आकाश इंद्रिय गम्य वस्तु है कि नहीं है, परंतु आकाश में हम अभ्यास करते हैं कि नहीं करते हैं, तो सामने हमको वस्तु दिखाई दे तो इंद्रियों का वस्तु है नहीं आकाश, फिर भी हम वहाँ पे भ्रांति आरोप करते हैं, आकाश नील है आकाश कटाकार है, ठीक है ना, यह आरोप करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सामने दिखाई दे तभी हम उसका आरोप कर पाएंगे, नहीं दिखाई देने पर भी हम आरोप करते हैं। फिर बोलते हैं जब आत्मा बिल्कुल अविषय है ऐसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रोज हम लोग मैं करके व्यवहार करते हैं, अब वो मैं यथार्थ क्या है, मैं हूँ और मैं चेतन हूँ, इस विषय में किसी की कभी भी भ्रांति नहीं होती, केवल इतना मात्र में हमारा जानकारी नहीं है क्या कि मैं व्यापक हूँ, मैंने आपको परिच्छिन्न मान लिया, इस व्यापकता को सिद्ध करने के शास्त्र केवल इतना ही मात्र, बाकी अपने अस्तित्व अपनी चेतनता को लेकर के और उस बोले गए हमारे आनंद जो बोलते हैं उस व्यापकता में आनंद है, पूर्णता में आनंद है, परिच्छिन्नता रज्जु में
सर्पादि के समान सर्प जलधारा भूचित्र दंड माला कई प्रकार के वस्तु आरोप करते हैं ठीक उसी प्रकार से आत्मा में दैत्य प्रपंच अविद्या से अध्यस्त है अविद्या से आरोपित अविद्या अध्यस्त रज्जा सर्पादि पर आत्मनि दैत्य से अविद्या अध्यस्त रज्जु में सर्प के समान आत्मा में दैत्य प्रपंच अध्यस्त है फल क्या हो गया कि आत्मा ये तो सभी को मैं हूँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सभी व्यक्ति समझता है इसलिए ये जो है बिल्कुल अविषय तो आप नहीं कह सकते बोलते तो कैसे कैसे आरोप करते हैं तो पहली बोलते कथम कैसे कह बोलते तो सुखी अहम अहम मतलब मैं और आरोपित क्या है सुखी मैं सुखी हूँ और जब मैं सुखी हूँ तब दुखी भी रहूँ तब तो दुख होना ही पड़ेगा सुख समाप्त होते ही दुख हो जाएगा ये जो है सभी के अंदर एक सुख प्राप्ति की सभी के अंदर एक कॉमन फेनोमेना है सभी के अंदर एक कॉमन यह है कि मैं सुखी हूँ मैं आनंद में हूँ और वो बेचारा समझ नहीं पाता सुख मेरा स्वरूप है इसलिए बाहर वस्तु के सुख होने के कारण और उसको मिलने पर मैं सुखी हूँ और खो जाने पर मैं दुखी हूँ ये जो है आत्मा में ना सुखित्व है ना दुखित्व है सुख दुख किसके धर्म है मन के धर्म है सुख दुख मन के धर्म है और मन का मैं दृष्टा मन का मैं दृष्टा तो किसी एक अनुकूल वस्तु को लेने आने पर किसी अनुकूल वस्तु आने पर मन में एक सुखाकार वृत्ति उत्पन्न हो किसी प्रतिकूल वस्तु सामने आने पर मन में एक विपरीत प्रतिकूलात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है अब मैं उस वृत्ति का प्रकाशक हूँ और जो वृत्ति उठ रहा है वो भी आत्मा के ऊपर उठ रहा है और मैं उसका प्रकाशक भी हूँ इस प्रकार देखिए सामान्य सूर्य से किरण यहाँ पे होती है इस लाइट जहाँ पे वहाँ पे विशेष प्रकार की होती है कि किसी प्रकार सामान्य आत्मा शुद्ध चेतन के ऊपर अंतकरण भी कल्पित है और उस अंतकरण के विशेष वृत्ति को आत्मा विभाग जैसे विशेष जगह को प्रकाशित करते हो चिदावर्ष को प्रकाश करते हैं चिदावर्ष प्रकाश करते हैं अब जब सुखाकार अनुकूल कोई वस्तु को प्राप्त होने पर सुखाकार कोई वृत्ति उठती है तो चिदावर्ष उसको प्रकाश करते क्या होता है कि तादात्म्य जिसको भगवत गीता में 13वें अध्याय भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पुरुषो प्रकृति स्तो ही भूमते प्रकृति जान गुणा पुरुष क्या हुआ प्रकृति के ऊपर आस्थित होकर अस्तकर प्रकृति स्तो ही भूमते प्रकृति जान गुणा प्रकृति का जो गुण उत्पन्न होता है सत्र तमगुण की हो भोग करते हैं उसके साथ अपने आप होते हैं असंग ही अयम पुरुष ये पुरुष तो असंग है कभी भी गुण के साथ इसका संबंध ही नहीं है किंतु विकल्पित तादात्म्य संबंध से कल्पित तादात्म संबंध रज्जु के साथ सर्प का क्या संबंध है कोई संबंध नहीं है वहां पर सर्प है नहीं संबंध कहां से परंतु फिर भी कल्पित तादात्म संबंध मान करके हम वहां पर उसका व्यवहार करते हैं सर्प इसी प्रकार कल्पित तादात्म मतलब मन एक जड़ात्मक वस्तु है शुद्ध आत्मा के ऊपर कल्पित है मन की कोई वृत्ति को हम प्रकाश करते उसके साथ तादात्म कर लेते करते क्या बोलते हैं मैं सुखी हूँ अज्ञानी व्यक्ति क्या समझते हैं ये सुखाकार व्यक्ति है मैं उसका ये दोनों के भिन्न उनके जीवन में सुख दुख नहीं आएगा ये बात नहीं है क्यों तद्विद्या दुख संयोग वियोग शास्त्र ने क्या कहा योग अभ्यास से क्या होता है साधन करने का दुख संयोग का वियोग होता है मतलब दुख के साथ तादात्म्य होता है छूट जाता है दुख नहीं आते नहीं बोला दुख संयोग का वियोग होता है मतलब ये सुख अथवा दुख को देख कर उसके साथ हम तादात्म्य कर रहे थे तो तादात्म्य तब क्या होगा ये सुख है ये दुख क्योंकि मैं सुखी मैं दुखी ये कभी मुक्ति उत्पन्न नहीं करता तो अज्ञान अवस्था में क्या होता है मैं सुखी मैं दुखी सभी व्यक्ति जो इसी प्रकार से एक अपने ऊपर लांछन आरोप करते हैं और उस दुख को मिटाने के लिए हर प्रकार के बाहरी साधन को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं और उससे दुख की मात्रा बढ़ती जाती है घटती जाती फिर क्या बोलते हैं मूढ़ो मेरे को समझ में नहीं आता ये मूढ़ता किसकी धर्म है न बुद्धि अगर हम अंतकरण अलग करके विचार करेंगे हमें मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे अच्छा समझ में आ रहा मुझे आज अच्छा समझ में आ रहा है मुझे आज अच्छा नहीं समझ में आ रहा है ये समझ तो बुद्धि बुद्धि के काम है ठीक है परंतु साक्षी उसका प्रकाश साक्ष किसी वस्तु को आपने जाना तो बुद्धि के पीछे जो बुद्धि पर वस्तु सर द्वितीय अर्थ में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण साक्षी अंतर बैठा हुआ है वो आत्मा है
तो आत्मा क्या है? बुद्धि वृत्ति का प्रकाशन है। बुद्धि के बुद्धि वृत्ति में जैसे कुछ प्रकाश हुआ, मुझे समझ में आया आत्मा ने, मेरी बुद्धि आज काम नहीं कर रही। जब तक हम ऐसा बोलते हैं तब फिर भी ना आदमी आप बुद्धिमान तक अभिमान करते हैं, इसलिए मुहूर्त में आपको तो बुद्धि की फंक्शन के साथ आधार होता कि मैं बुद्धिमान हूँ। जब बुद्धि फंक्शन की करें तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हमें मूल के जात जन्म तो किसके धर्म है? शरीर के धर्म। शरीर के साथ आधार होता कर लेता है तो मैं पैदा हुआ। जब पैदा हुए हो तब मरोगे, जात से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म सच। तो जैसे ही आपने जन्म के आरोप अपने ऊपर कर लिया, वैसे मृत्यु को भी आरोप करता है। पर शास्त्र क्या बोलता है? न जायते मृयते वा कदाचित। आत्मा में तो जन्म मृत्यु कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि हम इतने सारी चीज आत्मा में आरोप करते हैं, सुखी अहम दुखी अहम, ये सुख प्राप्ति की इच्छा दुख निवारण के प्रयास, इसी में मनुष्य को जीवन बीत जाता है। भ्रांत वस्तु को लेकर मूढ़ो जात हो मित्र, इस प्रकार से जीर्ण देहवान व बुढ़ा हो गया हूँ, अब शरीर नाश होने वाला है। केवल इतना ही नहीं, इंद्रियों के वृत्ति के साथ पश्चामी श्रृणोमी करोमी, ठीक है ना, मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ, इंद्रियाँ देखती हूँ, इंद्रियाँ नहीं तो चीज करो इनकी पश्चिम सुनना कृष्ण कृष्ण अस्तर दर्शन सफल शसन प्रयोगपन विस्तृजन पिंधन उन्मिशन निमिशन इंद्रियानी इंद्रियार्थेषु वर्तते इति ज्ञान गुरु समझता है कि इंद्रियों विषय के साथ व्यवहार कर रहा है, मैं दोनों का प्रकाशक हूँ। जब तक ये समझ में नहीं आता है तो क्या बोलता है? मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, ये सब अनुमान करते हैं। इसलिए बोलता है शरीरधारी हूँ मैं शरीर वाला हूँ, मैं शरीर हूँ, पश्चामी श्रेणी, फिर क्या बोलते हैं व्यक्त अव्यक्त, कुछ समझा कुछ नहीं समझा, व्यक्त अव्यक्त को एक बोलते हैं विदित अविदित। दो नंबर टिप्पणी में देखिए है, दो नंबर टिप्पणी व्यक्त अव्यक्त के ऊपर, व्यक्त मतलब विदित और अव्यक्त मतलब अविदित। पुष्प के इसको ये बात को याद है अन्न देवदत्त विदिता दत्त अविदिता अधि, इस प्रकार माँ बाप का समान है कि आत्मा क्या है? विदित वस्तु से भी भिन्न है। अन्न देवदत्त विदिता अथ अविदिता अधि, जितना विदित वस्तु है मतलब जिसको आप जान सकते हैं, आत्मा उस जाने हुए वस्तु से भिन्न है। क्या सिद्ध हुआ इससे? मतलब आत्मा को जाना नहीं है। जब विदित वस्तु से आत्मा भिन्न है आप कहेंगे तब क्या हो जाएगा सिद्ध? क्या होगा? आत्मा जाना नहीं है। पर बुद्ध के साथ तुरंत कहते हैं सुधी कहती है क्या? और विदिता अधि, जितना वस्तु को आप नहीं जानते हो उससे भी ऊपर है परे। मतलब ये नहीं जाना हुआ बात नहीं, सामान्य रूप से क्या है? जितना वस्तु को हम जानते हैं उससे अधिक हम नहीं जानते, ये तो सभी को पता है। परंतु आत्मा ना विषय रूप में जाना जाता है और ना अज्ञात है। आत्मा हमेशा हमारे व्यवहार के विषय रूप में करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, थोड़ा व्यवहार करते हैं। इसलिए बोलता है व्यक्त अव्यक्त अन्न देवगत विदिता तत्व अविदिता, वो जाने हुए वस्तु से भी भिन्न है, नहीं जाने हुए वस्तु से भी भिन्न है। जाने हुए मतलब जिसको विषय रूप में जाना जाता है, जिसके विषय रूप में जाना जाता है इस प्रकार की वस्तु से भिन्न है। मतलब मन में ये बैठते हैं बैठ जाते हैं कि शायद ये नहीं जाना जाता, फिर तुरंत बोलते हैं नहीं नहीं ये जितना नहीं जाने हुए वस्तु है उससे भिन्न है, मतलब ये जाना निषेधात्मक रूप में प्रतिपादन करते हैं। इसलिए बोलते हैं व्यक्त अव्यक्त मतलब जीवित अविदित कर्ता, अपने को क्या मानते हैं? अरे शास्त्रों से पता होता है कि पूर्वोत्तम से दर्शन आत्मा को कर्ता बोलते हैं, करता हूँ यही अहंकार के काम है। पर तो क्या हो जाएगा? भोगता हूँ अभी। इसे बोलते हैं फली, फली मतलब फल के साथ संयुक्त हूँ, मतलब फल भोगने वाला, कर्ता फली फल वाला मैं हूँ। संयुक्त वियुक्त मतलब किसी मित्र मित्र प्रिय वस्तु मिल गया उसके साथ जुड़ गया, प्रिय वस्तु खो गया हाय मैं मरा, मतलब मैं मुझसे इसका वियोग हो गया। छीन मैं तो क्षय प्राप्त हुआ वृत्त हो गया, वृत्त हम मम एते ये सब मेरे है, इस प्रकार से कि एव महादेव सर्वे आत्मनि अध्यारोप्यन्ते, ये सारा इस प्रकार से आत्मा के ऊपर आरोप करके लोग व्यवहार करते हैं। सर्वे एव इति इस प्रकार की हर वस्तु आत्मा में अध्यारोप करके व्यवहार करते हैं। मतलब क्या हो गया? इन सारे व्यवहार में शुद्ध आत्मा अनुगत है,
जिस प्रकार इस समय हम रज्जु के ऊपर सर्प को जलधारा भूषित माला दंड आदि की कल्पना करते हैं, उस समय वो रज्जु उसमें अनुसूत रहता है, उसका मतलब रज्जु को समझ भ्रांति से हमें कोई वस्तु जो सामने प्रतीति हो रहा है मन में बैठा हुआ वही घुमा गया कि हम निश्चित थे। इसलिए बोलते हैं कि आत्मा एतेषु अंगत, इन सभी में देखिए एक में ऊपर जितना पंक्ति भगवान भाष्यकर ने लिखा, सुखी अहम दुखी अहम मूल अहम जातु अहम मृत्यु अहम जीर्णोवान अहम देहवान अहम अहम पश्चामि अहम सुनामि अहम व्यक्त अहम अव्यक्त अहम अहम भरी अहम संयुक्त अहम विलुप्त अहम क्षीण वृद्ध अहम ऊपर अहम शुरू किया था सुखी अहम, यहाँ पे आकर क्या बोलते हैं वृद्ध, यहाँ तक सब में अहम का अनुवृत्ति आ रहा है, समझ में आ रहा है व्यभिचार कहाँ पे हो रहा है, सुखी दुखी मूढ़ जाते और मृत्यु। तो क्या हो गया कि ये जितना उपाधि के साथ मिला करके हम बोलते हैं उपाधि के धर्म में परिवर्तन होने पर भी इसके अंदर अंशुद्ध आत्मा एक ही रूप में हर को दिखाए, प्रत्येक को दिखाए, मैं अहम होने के अंतस्पर्यंत ही भद्रो मुद्रा है। आपने इसमें कभी व्यभिचार नहीं किया है ना, आपकी मुद्रा में आपकी अभिव्यक्ति में कभी व्यभिचार नहीं किया। आत्मा एतेषु अनुगत, आत्मा इन सभी व्यवहारों में सभी सर्वत्र अव्यभिचर भी इसके व्यभिचर नहीं होने के कारण जैसे यथा सर्प धारादि भेदेषु रज्जु, जिस प्रकार सर्प जल धारा भूचित्र माला दंड सभी अलग अलग विशेषक में रज्जु समान से विद्यमान है, रज्जु जैसे थे इस प्रकार इतना ही है रज्जु हम हमारे सामने विषय रूप में प्रतीति होती है, आत्मा हमारे सामने विषय रूप में प्रतीति नहीं होता परंतु समझ में तो आता है। यथाच एवं विशेष स्वरूप प्रत्ययस्य सिद्धत्वा न कर्तव्यं शास्त्रेण। अब देखिए एक चीज फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, प्रत्येक प्रमाण के प्रमेय वस्तु अलग अलग होते हैं, प्रत्येक प्रमाण के प्रमेय वस्तु अलग अलग होते हैं। प्रमाण किसके बोलते हैं, प्रमाकरणम प्रमाण, ज्ञान उत्पन्न करने के लिए असाधारण कारण है उसका प्रमाण बोलते हैं। रूप के लिए प्रमाण क्या है, आंख, श्रवण के लिए प्रमाण है श्रोत्रेंद्र, ठीक है ना। आप हम यदि कहते हैं हमने कान से देखा और कान से सुना, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ना कोई बोलेगा ना कोई मानता है ना। तो अभिप्राय क्या है कि प्रत्येक प्रमाण की प्रमेय वस्तु अलग अलग, तभी तक प्रमाण की प्रामाणिकता की मान्यता है। यदि एक प्रमाण दूसरे प्रमाण के साथ फॉल कर दूसरे का कहने लगे उस प्रमाण की प्रामाणिकता नहीं है। अब आस्तिक दर्शनों में सभी ने श्रुति को भी प्रमाण माना, श्रुति को भी प्रमाण माना, तो श्रुति का भी कोई एक विशेष प्रमेय वस्तु होना चाहिए जो अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं जाना, ये तब तो सिर्फ तभी एक प्रमाण माना जाए। तो श्रुति का भी कोई एक ऐसा प्रमेय वस्तु होना चाहिए जो अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं जाना। इसीलिए अब जो है अब जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा हम जानते हैं समझते हैं, यदि वही चीज को श्रुति कहने लग जाए तो क्या हो जाएगा, श्रुति की अनुवादित्व आ जाएगा। मतलब श्रुति की दो भाग है, सामने हमको जगत दिखाई दे रहा है और श्रुति जब ये जगत के बारे में कथन करती है तो क्या है, वो अनुवादित श्रुति है, परंतु इस जगत के बारे में कथन करने के बाद जो हमको दिखाई नहीं पड़ता कौन जगत को बनाने वाला उसके बारे में जब कथन करते हैं श्रुति, वो क्या होता है, वो प्रतिपाद्य भाग जो और किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता, ठीक है। इसलिए श्रुति का ये दो भाग और इसकी उपयोगिता को जब तक हम अलग करके नहीं समझेंगे तब आपको लगेगा कि श्रुति तो कभी कुछ बोलती है, ऐसे बात भी नहीं है, श्रुति अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, एक अनुवाद भाग है एक प्रतिपाद्य भाग है। यदि अन्य प्रमाण के द्वारा ज्ञातव्य वस्तु को जिसको जाना जाता है उसको श्रुति कहती है तो क्या है, हमारी भ्रांति की अनुवाद करती है श्रुति। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सर्प को देख करके डर के मारे बेचारा भाग रहा था तो जाते जाते गिर गया, तो कोई व्यक्ति आवाज सुनकर के बाहर आया, उसको क्या हो गया महाराज वहाँ पे सांप है, वहाँ पे सांप है। और उस समय यदि हम उसको बोले दूर मुड़ो, वहाँ पे कोई सांप नहीं है, बेचारा एक तो घबरा हुआ था और दुखी हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक बोल रहा है, उठो उठो कोई बात नहीं, हम लोग जाके देख लेंगे वहाँ पे क्या है। इतना भाग क्या है, उस व्यक्ति की जो मन को ढांचस बांधने के लिए एक अनुवादी भाग है, उसके मन में हिम्मत जुटाने के लिए चलो हम वहाँ पे जाके देखेंगे क्या है, उठो तब उठता है। इसी प्रकार हमें जगत दिखाई पड़ रहा है, दैत्य प्रपंच दिखाई दे रहा है, यदि पहले श्रुति बोल देगा समझ नहीं आता तो कोई व्यक्ति
शास्त्र पढ़ेगा नहीं, शास्त्र के अंदर क्या जानने की इच्छा नहीं होगी। सिद्ध कहते हाँ ठीक है, तो आओ थोड़ा सा गहरा सृष्टि, ये सृष्टि को मानने वाला कौन है? विरोध बोलते हैं उसके साथ खंडन करना चाहता है। जहाँ पे बात कथा होती है वहाँ पे शिष्य के प्रश्न गुरु के उत्तर है। श्रुति भगवत गीता आदि बात कथा है, जो अल्प कथा वितंड कथा नहीं है, जितने की इच्छा नहीं है, वस्तु तत्व का प्रतिपादन करने की इच्छा से यहाँ पे होता है। यहाँ पे शिष्य के मन में जो शंका होती है तो गुरु जी समझ तब बोलते ठीक है, तुम जो बोल रहे हो ठीक है। जैसे इंद्र घूम के वापस आता है तो प्रजापति क्या बोलते हैं, भगवान हाँ इंद्र तुमने जो बोला ठीक है, परंतु तुमको अभी समझ में नहीं आया, बत्तीस साल और थोड़ा बैठ करके विचार साधन करो तब तुमको समझ में आ जाए। ठीक इसी प्रकार क्या होता है यहाँ पे श्रुति जब हम जो नाम कहते हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं जीर्ण हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ, बोलते ठीक है कोई बात नहीं। अब जो आप धीरे धीरे समझाते हैं, ये जिसको तुम मैं करके बोल रहे हो ये समझ करके बोल रहे हो कि बिना समझ करके बोल रहे हो? तुम बुद्धिमान हो, तुम मनुष्य हो, तुम समझते हो ना, तो जब वो समझते हो तो तुम्हारा मतलब विषय बन गया, तुम विषयी हो। तो क्या विषय और विषय एक हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए वो नहीं। इसके यहाँ पे देखिए जगाचा एवं, अब आ जाइए यहाँ पे इस बात को में। यदि हम कहते हैं सुखी अहम, इसमें विशेष कौन है, विशेषण कौन है? सुखी अहम, दुखी अहम, अहम विशेष है, और सुखी दुखी मूल हो जाए तो ये सब विशेषण। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोलते हैं जगाचा एवं विशेष स्वरूप प्रत्यय से सिद्धत्व। इस प्रकार से अहम 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 करके विशेष का जो स्वरूप है वो तो अपने आप ही सिद्ध हो रहा है, परंतु उपाधि के धर्म को तारात्म्य करके बोल रहे हैं, परंतु आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध नहीं रहा है। यदाचा एवं विशेष, ये शून्यवाद के प्रसंग तो कभी नहीं है। यदाचा एवं विशेष स्वरूप प्रत्यय से सिद्धत्व, तो इसके लिए अधिक प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जब अपने मैं अपने अस्तित्व को अपने आप समझता हूँ तब इसकी जो सिद्धि के प्रमाण की क्या आवश्यकता है? यदि हम अपने को नहीं, जितना हिस्सा हम नहीं समझते उतना हिस्सा श्रुति समझाएंगे। यहाँ पे प्रश्न किसलिए हुआ था कि जिस वस्तु के ऊपर भ्रांति होती है वो प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है कि नहीं? संकल्प ही हुई थी जिस रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई पड़ता है प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है। आत्मा तो प्रमाण सिद्ध वस्तु नहीं है, सिद्ध प्रमाण के द्वारा आत्मा सिद्ध नहीं होता। जब बोलता है आत्मा शुद्ध, जितना आत्मा की शुद्ध प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार में देखो तुम अपने आप ही बोलते हो कि जान चाहते हो मृत्यु सुखी दुखी सब मैं करके बोलते रहे तो जो अपने आप तुमको अनुभव में आ रहे उसका वहाँ पर शुद्धि आके क्या करें? केवल जितना भ्रांति हिस्सा है, कौन सा भ्रांति हिस्सा है? मैं सुखी हूँ मैं, उतना हिस्सा को शुद्धि मिटाती है, उतना हिस्सा को आपसे काम हो जाता है। तब परिच्छेदों तक मिटाते हैं तो अपनी व्यापकता समझ में आते हैं। इसीलिए बोलते हैं जदाच एवं विशेष स्वरूप प्रत्यय से सिद्धत्व। इस प्रकार व्यवहार करते समय विशेष जो आत्मा उसका स्वरूप संबंधित बोध सिद्ध हो जाने कारण न कर्तव्य शास्त्र न उसको प्रतिपादन करना शास्त्र को कर्तव्य नहीं बनता। क्यों? अकृत कर्तव्य शास्त्र देखो हम एक मतलब अज्ञात ज्ञापक शास्त्र क्या होता है? जो वस्तु अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है उसका ज्ञापक होता है शास्त्र। अब जो मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं मृत हूँ मैं जन्म हूँ मैं बुद्धिमान हूँ इस कर्म मैं करके आप बोल ही रहे हैं तो मैं को प्रतिपादन करने के लिए शास्त्र का बात नहीं है। शास्त्र किसको प्रतिपादन निषेध करेगा? द्वैत को निषेध करेगा, वह भ्रांति है, इसीलिए इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कितना स्पष्ट उत्तर दे गए यदा च एवं विशेष स्वरूप प्रत्यय सिद्धत्वात् न कर्तव्य शास्त्र न। क्यों? अकृत कर्तृज शास्त्र एक नंबर टिप्पणी मतलब अज्ञात ज्ञापक है ना, समस्त प्रमाण के प्रमेय अलग होते हैं। जो अन्य किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है श्रुति उसी को प्रतिपादन करती है, दूसरे प्रमाण के द्वारा जो जानी जाती है उसको श्रुति नहीं प्रतिपादन करती है। इसलिए बोलते अकृत कर्तृज शास्त्र कृत अनुकारित्य अप्रमाण, जो हमको समझ में आता है यदि उसी को श्रुति बोलते हैं कुछ समय श्रुति प्रामाणिक नहीं होती। कृत अनुकारित्य जो किया हुआ है उसी को यदि अनुकरण करेगा उसी को यदि दोबारा करेगा तो शास्त्र के अपना मानिका तो अपना
सिद्ध अनुवादित जो अन्य प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो रहा है, यदि उसका दोबारा श्रुति बोलते हैं तो उतना हिस्से में श्रुति की प्रामाणिकता नहीं मिलती, तो दूसरे प्रमाण से सिद्ध हो रहा है। बहुत अच्छी तरह से मन में बैठा है कि शास्त्र के दो भाग होते हैं, एक अनुवाद भाग एक प्रतिपाद्य भाग। अनुवाद भाग कौन है? जो दूसरे प्रमाण के द्वारा हम जानते हैं। प्रतिपाद्य भाग कौन है? जो दूसरे प्रमाण के द्वारा नहीं जानते। बस इतना भी मन में आता है कि हाँ भी देखिए इतना जिस प्रकार से हम लोग व्यवहार करते हैं, सुपियम दुपियम मूलम जातम, या के देखिए कि जितना हमने उपाधि के धर्मों का अपने ऊपर आरोप करके व्यवहार कर रहे हैं, जब तक कि आप ना करके ये शरीर को मैं जानता हूँ आज मेरे शरीर ठीक नहीं है, तो आप स्वयं व्यवहार करते हैं, आप ये भी बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ। कैसा अद्भुत बात है, हम जानते हैं जिस जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ, मेरा कुत्ता गंदा हो गया तो मैं कुत्ता नहीं, परंतु शरीर के साथ दोनों प्रकार से व्यवहार, आज मेरा शरीर ठीक नहीं है मैं बीमार हूँ, क्या बोलना चाहिए था? शरीर बीमार है, परंतु क्या कर दिया? मैं या धर्म का व्यवहार, हम जानते हैं कि ये तो मेरा है, ये मेरा संबंध है इसके साथ, कि मैं नहीं हूँ सकता, फिर भी मान या धर्म का व्यवहार। विशेष प्रतिबंधादेव आत्मन स्वरूपेण अनवस्थान क्षमा कर देना, ये जो आत्मा स्वरूप जो सुख दुख से रहित है वो हम समझ नहीं पाते, क्या कारण? क्योंकि यत अविद्या अध्यारोपित अज्ञान के कारण हम अपने ऊपर आरोप किया, वहाँ पे रज्जु पड़ा हुआ है, इसका ज्ञान हमें नहीं है। हमारे यहाँ पे जो निद्रा स्वप्न की क्या परिभाषा दी थी? अन्यथा विद्यते स्वप्न निद्रा तत्त्वम अजानत, ये तत्व को नहीं जानना निद्रा है, और इस माया निद्रा में शो करके हम जो भी कुछ व्यवहार करते हो अन्यथा ग्रहण से करते हैं, तो भिन्न ग्रहण करते हैं, इसी यहाँ पे बोलते हैं जत, क्योंकि अविद्या अध्यारोपित, क्योंकि अविद्या के द्वारा ऊपर से आरोपित किया गया अपने ऊपर क्या सुखित्व आदि सुखित्व दुखित्व मूढ़त्व जातत्व मृतत्व सब आदि, वो जो विशेष हमको दिखाई पड़े ना उपाधि के साथ मिल करके हमें क्या है, सामान्य अंश हम नहीं दिखाई पड़ता, विशेष अंश हमको दिखाई पड़ता, इसीलिए क्या होता है सामान्य जो आत्मा में काटते तो भक्ति तो राहित्व वो हमको समझ में नहीं आता, व्यवहार करेंगे सामान्य की तरह, पर दृढ़ निश्चय रहेगा कि व्यवहार शरीर इंद्र मन बुद्धि में हो रहा है, मेरी विद्यमान कमेश के साथ मेरा तीनों का मेरे को संबंध, यहाँ पे या तो अविद्या अध्यारोप सुखित्व आदि विशेष प्रतिबंधा देव आत्मनो स्वरूप अनुपस्थान, तो नुकसान क्या हुआ? इसीलिए तो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हो, यदि अपने स्वरूप में अवस्थान कर लो तो क्या हो जाएगा? श्रेय, मतलब मुक्ति को प्राप्त करेंगे, स्वरूप अवस्थान श्रेय, स्वरूप अवस्था से क्या लाभ होता है? मुक्ति, निःश्रेष को प्राप्त करके मुक्ति हो जाओगे। यहाँ तक कि भाष्यकार समझाते हैं, अब आइए टीकाकार के आगे, टीकाकार बोलते हैं देखिए कि प्रतिपन्ने धर्मिणी प्रतिषेधा प्रमिते प्रतिषेधस्य विशेषण वैफल्यात् एव अनभ्युपगमात् आत्मनश्च सर्वकल्पनाशु अधिष्ठान आकारेण स्फुरण अंगीकरणा तस्मिन् प्रतिपन्ने द्वैत प्रतिषेध संभवति इति परिवर्ति। ये जरूरी नहीं है कि जिस प्रमाण के द्वारा ग्रम्य होने पर ही वो अधिष्ठान होगा, समझ में आ जाने पर ही हमारे भ्रांति मिट जाता है, उसी को हम लोग व्यवहार कर सकते हैं। अधिष्ठान तो क्या दिया था? एक व्यक्ति भ्रांति से कई दो तीन ऊँट भरे हुए रोई को जाते हुए देखा तो मान लिया कितना जा रहा है, और इतना रोई को काटने के लिए पीटने के लिए घूमने के लिए कौन करेगा, तो भ्रांति से उसका दिमाग खराब हो गया, इतना अनाधिकार से इतना कर्म इस कर्म के संस्कार इस भ्रांति से इससे कब मुक्त हो पाऊंगा मैं, इस भ्रांति से हम अपने को बोझ डाल लेते हैं। जब
अनेक जन्म की सुकृति के फलस्वरूप शास्त्र के पवित्र दृष्टि जाते हैं, मतलब कोई सदगुरु कोई महात्मा आ जाते हैं, करो नहीं क्या हो गया तुम्हारा, महाराज मैं देखा यहाँ पे कितने सारे भूमि भर भर के ले जा रहे थे, गाँव के लोग कितना करता, छोटे से गाँव में इतना लोग कैसे इस काम को करेगा, अरे सुनो सुनो बैठे कल तुम्हें गया तो वहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे इतने गाँव के लोग, तो दो चार व्यक्ति बैठ करके विचार कर रहे, तो उसने एक व्यक्ति ने क्या किया सिगरेट पी के हाथ थोड़ा फेंका, सारा रू एक मिनट में जल गया, हाँ एक मिनट में जल गए सारा बोल उठा गया। इसी प्रकार शास्त्र जो कहते हैं अनादिकाल से कितना भी कर्म है अज्ञान के कारण तुमने अपने पर आरोप किया, वहाँ पर तुम्हारे साथ इसका तीनों कर्म तो संबंध ही नहीं है, तीनों कर्म तुम्हारे साथ कर्म और कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं है, तुमने आरोप कर दिया अपने पर, आरोप करके कर्म और कर्म के फल को भोग जावत हेतु फलाभिष तावत हेतु फल अपने आप मन कर, जब तक इस प्रकार कार्य कर्म संघातिक कर्म और कर्म फल के साथ संबंध करते रहोगे तब तक उसके साथ तुम जुड़े हुए रहोगे, अपने दृढ़ निश्चय से निश्चय करो क्या कि कर्म और कर्म फल के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं, शरीर का सब संबंध है, हमारे सान्निध्य में शरीर काम कर सके इतना मात्र, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं प्रतिपन्न धर्मी, मतलब प्रतिपन्न मतलब प्रमाण के द्वारा सिद्ध होना आवश्यकता नहीं है, समझ में आ जाने पर ही प्रतिपन्न धर्मनी प्रतिषेधा वहाँ पे निषेध हो सकते हैं, प्रमिते प्रतिषिद्ध विषेध, यदि जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध होगा उसी में प्रतिषेध करना पड़ेगा तब विशेषण वैफल्य, तभी विशेषण देखो बोल रहे हैं प्रमिते प्रतिषेध से प्रमाण असिद्धे, ये जगह वो प्रमाण के द्वारा सिद्ध होगा ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आने पर भी हाँ हाँ गुरु जी ने बोला कि वहाँ पे रुई में आग लग करके वो सब सारा रुई जल गया, बस वो जाकर वहाँ पे नहीं देखा था कि वहाँ पे आग लगी कि नहीं लगी, क्योंकि भ्रांति से मन में बैठी हुई थी और किसी को आप तो उसके बात को में हमारा विश्वास है, उस विश्वास मन में आ गया तो सारे रुई जल गए, उसके लिए प्रमाण को आग की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसका नाश हो सकता है ऐसे व्यवहार में दिखाई देते, इसलिए बोलते हैं कि प्रमिते प्रतिषिद्ध से प्रमाण प्रमाणिक वस्तु में प्रतिषिद्ध होगा विशेषण वही फल, अर्थात प्रमाण के लिए पहले से नियम होता तो प्रमाण रूप जो विशेषण दिया दे रहे हो वो विफल हो जाता, उसका आवश्यकता नहीं होती। चार नंबर टिप्पणी में लिखिए प्रतिपन्न धर्मी, मतलब प्रतिपन्न मतलब सिद्धे, धर्मी प्रमाण के द्वारा सिद्ध होने का तभी प्रतिषेध किया जाएगा, जरूरी नहीं है सिद्धत्व जो सिद्ध कैसे होगा प्रत्यक्ष आदिना सब प्रकाशत्व अनाग्रह, ये जो है ये सिद्ध कैसे होगा प्रमाण के द्वारा भी हो सकता है अथवा क्या होता है अपने स्वयं प्रकाश वस्तु अपने आप प्रकाशित होगा, इसलिए उसके लिए अलग प्रमाण की आवश्यकता नहीं, दोनों में से किसी भी प्रकार से हो जाए पर वस्तु सिद्ध होना चाहिए, तो प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध होगी जरूरी नहीं, ये हमेशा प्रतिपन्न धर्मिणी प्रतिषेधा प्रमिति प्रतिषिद्ध से विशेषण वैफल्या देखो अनभ्युपगम, इसीलिए हम ऐसा नहीं मानते कि प्रमाण को द्वारा ही सिद्ध करना होगा आत्मा को, दूसरी बात क्या है आत्मनश्च सर्व कल्पनाशु अधिष्ठान आकारेण स्फुरण अंगीकरण, आत्मा को हमने क्या किया कि समस्त कल्पना के अधिष्ठान के रूप में आत्मा का स्फुरण होता ही है, जिस अधिष्ठान के ऊपर आप वस्तु की कल्पना कर रहे हैं उस अधिष्ठान के सामान्य इदम अंश है उसका स्फुरण भ्रांति वस्तु के साथ होता ही है, जैसे ये सर्प है, ये सर्प है ये है ये रज्जु के सामान्य अंश है और इसका से स्फुरण उसी समय हो रहा है, हम बोलते ये सर्प है ये सर्प है तो ये है जो करके जो बोल रहे तो रज्जु को बोल रहे हैं और रज्जु नहीं बोलते और सर्प को बोल रहे हैं, इसलिए भ्रांति के अधिष्ठान के भ्रांति के भ्रांत वस्त्र में अधिष्ठान का स्फुरण हो ही जाता है, इसलिए बोलते हैं आत्मनस्य सर्व कल्पनाशु अधिष्ठान आकारेण स्फुरण अंगीकरण, समस्त कल्पनाओं में अधिष्ठान रूप में उसके स्फुरण को हम अंगीकार करते हैं, क्योंकि देखिए उसकी सत्ता स्फूर्ति को देने वाला समस्त वस्तु को सत्ता स्फूर्ति देने वाला शुद्ध अधिष्ठान है, तो जब उस अधिष्ठान के हमने उसमें मतलब भ्रांत वस्तु में हम अंगीकार करते हैं फिर उसका समझ में नहीं आता, ये कहना तो हाँ क्या है ये समझ में नहीं आता, मतलब कोई वस्तु है ये तो हमको समझ में आ ही रहा है, ये तो हमको समझ में आ ही रहा है, इस प्रकार अहम अहम करके हम बोलते हैं मैं ना कोई वस्तु है मतलब मैं ये सब नहीं से अलग है वो इतना हिस्सा हमको समझ में नहीं आता, इसलिए सूर्य उसको निषेध करके प्रतिपादन करते हैं, जब स्मरण अंगीकरण
तस्मिन् प्रतिबन्धे उस आत्मा की इस प्रकार से बोध हो जाने पर द्वैत प्रतिषेध संभव है, उसी के ऊपर द्वैत का निषेध करना संभव हो जाता है। इति परिहरति, इसको मन में रखते हुए सिद्धांत पक्ष उत्तर देते हैं, नैष दोष इस प्रकार को जो है ना कि यदि प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है वस्तु, उसको निषेध का अधिष्ठान कैसे हो सकता है। इस विषय में प्रमाण के द्वारा नहीं जानने पर समझ में आने पर ही वो निषेध का अधिष्ठान हो सकता है, इसलिए आपके कोई दोष नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि रज्जाम सर्पादिवत आत्मनि द्वैतस्य अविद्या अध्यस्त तत्वात्, रज्जु में सर्प के समान सब द्वैत प्रपंच अध्यस्त होने के कारण। पांच नंबर टिप्पणी में पढ़े था विशेषण, विशेषण मतलब वहाँ पे क्या बोले थे कि विशेषण इति प्रमिते प्रतिषेधे इति अर्थ, मतलब जब प्रमाण के द्वारा प्रतिषेध प्रमाणित वस्तु में प्रतिषेध होगा इति अर्थ, प्रमाण असिद्ध में भी प्रतिषेध हो सकता है, है ना, इसी तरह बोलता है विशेषण वैफल्य, क्योंकि विशेषण क्या है प्रमाण, प्रमाण के द्वारा जाना हुआ वस्तु में ही निषेध हो सकता है, यदि जाना हुआ वस्तु में निषेध हो सकता है प्रमाण शब्द की आवश्यकता नहीं है, जाना हुआ वस्तु में निषेध हो सकता है, इस अभिप्राय बोलते हैं प्रतिषेध प्रमाण असिद्ध, इसलिए प्रमाण शब्द विशेषण का विफलता हो जाता है। आत्मनश्च सर्वकल्पना स्वाधिष्ठना कारेण स्फुरण स्मरण अंगीकरण तस्मिन् प्रतिमान्य द्वैत प्रतिषेध संभवति इति परिहरति नैष दोष। अच्छा फिर के आगे देते हैं कि भ्रम अविषयस्य आत्मन अध्यास अनुगततया स्फुरणम अघटमानम इति आक्षिपति। भ्रम का विषय तो आत्मा नहीं है, आपने क्या बोला भ्रम का विषय सामने का विषय बोले, भ्रम अविषयस्य आत्मन, भ्रम तो पहले रहते हैं वो, कि भ्रम अविषयस्य आत्मन अध्यास अनुगतया, अध्यास के अंदर अनुगत रूप में स्फुरण होता है, अध्यास अनुगतया स्फुरण अघटमान ये तो होना संभव नहीं है इति आक्षिपति। कैसे आप बोल रहे हैं कि उसमें अनुगत है, जब आक्षेप करता है तो भाष्यकार बोलते हैं देखो तुम नहीं बोलते कि हम सुखी अहम दुखी अहम जातो अहम मृत अहम बुढ़ो अहम बुद्धिमान, कहाँ किसका अनुगतता आ रहा है सब में आत्मा मैं क्या अनुगतता, इसलिए तो हम समस्त भ्रांति में ये तो अनुगत रहता ही है, इसे बोलते हैं भ्रम अविषय आत्मा, आत्मा तो विषय बनता ही नहीं है तो बनता सामने रज्जु जैसा आपको दिखाई पड़ता है, इस प्रकार आत्मा जब सामने दिखाई पड़ता तब तो ठीक होता है, बोलता रज्जु जैसे दिखाई पड़ता आत्मा नहीं दिखाई पड़ने पर भी देखो तुम व्यवहार करते समय बोलते हो कि नो कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी तो मैं को लेकर के बोल रहे नहीं बोल रहा, यानी कि आत्मा तो सामान्य अंश सुष्मानुसूत है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार कथन कोई मतलब दोष की बात नहीं है। ब्रह्म अविषय आत्मन अध्यास अनुगतया स्फुरण अघट मानवीय आक्षिपति कथम, ये कैसे हो सकता है आत्मा सत्मानुसूत है कैसे कह रहे हो आप, तब बोलते बोलते देखो ठीक है स्वप्रकाशकत्व स्वतः निर्विकल्पक स्फुरणे अपि स्वविकल्पक व्यवहारे समालोपित संश्लिष्ट आकारेण ब्रह्म विषयत्वम् अविरुद्धम् इति आह। कितना सुंदर शब्द प्रयोग कर दिया है, देखिए स्वप्रकाशकत्व वो स्वयं प्रकाश है आत्मा और स्वपरनिर्वाह है, इस प्रकार सूर्य पूरा संसार को प्रकाश करते हुए अपने को प्रकाशित करते हैं, हम यहाँ पे सूर्य दिखाई दे रहे हैं, सूर्य के द्वारा प्रकाशित वस्तु देख करके हम समझ जाते हैं कि आज सूर्य उदय हो गया, लेकिन सूर्य नहीं दिखाई देने पर भी उसकी व्यवहारिक को देख करके हम उसको निश्चय कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे होता है स्वप्रकाशत्व अपने आप स्वयं प्रकाश होने के कारण स्वतः निर्विकल्प स्फुरण, अब यहाँ पे जो है जो स्फुरण होता है वो निर्विकल्प स्फुरण, कोई विकल्प स्फुरण नहीं है, सामान्य रूप से स्फुरण होता है, निर्विकल्प होता है सामान्य रूप से स्फुरण होता है उसका आत्मा की व्यवहार कैसे होता है सारा स्वविकल्प उपाधि के साथ मिलकर के व्यवहार होता है, जब उपासना के साथ मिलकर के व्यवहार होगा तब आपको सामान्य अंश को उपाधि के साथ मिला करके बोलेंगे, सामान्य अंश ये अब उपाधि के साथ ना तो वहां पर सर्व दिखाई पड़ रहा है, वो मन में जो बैठ गया उस उपाधि के साथ मिला करके आप क्या बोलते हैं, मन में बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है मन की धर्म सुखित मैं सुखी मैं दुखी, इस जाते होते हैं स्वप्रकाशत्व न स्वप्रकाशत्व न स्वतः निर्विकल्प स्फुरण भी स्वयं प्रकाश होने के कारण निर्विकल्प रूप में मतलब किसी भी विशेष रूप में स्फुरण नहीं होने पर भी स्वविकल्प के व्यवहार मतलब विशेष के साथ व्यवहार करते हुए समारोपित संस्कृत आकार जिस वस्तु का हमने आरोप किया उसके साथ मिल करके व्यवहार होता है,
समारोपित उसको आरोप किया गया है जो धर्म अथवा पूर्ण अथवा विषय संशिष्ट उसके साथ मिल करके आरोपित उसके साथ मिल करके उसको ध्यान करे ना वो भ्रम विषय तमो भ्रम का विषय बन जाता है। इस प्रकार कहना कोई विरोधी बात और विरोध ना इसमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि आरोप से मन में रहते होते हैं सुखी अहम दुखी अहम बुरो अहम चार दो हम इस प्रकार के यहाँ भी देखिए छः नंबर टिप्पण सात नंबर टिप्पण छः नंबर टिप्पणी बोलते हैं व्यवहार इति छः नंबर सविकल्प व्यवहार इति आविद्य के सविकल्प व्यवहार मतलब आत्मा वहाँ पर कोई विशेषता नहीं है सविशेष रूप में आत्मा का हमेशा व्यवहार करता है निर्विशेष को हमेशा व्यवहार करता है विशेषता के साथ और ये विशेषता के साथ व्यवहार करते समय भी आत्मा का सामान्य उनसे स्फुरन होता है। आविद्या के अहम सुखी आदि व्यवहार अविद्या के जो मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ अभी देखिए अहम आत्मा सामान्य है मैं कहकर स्फुरित हो रहा है परंतु उसके साथ हमने क्या किया मन के धर्म को उपाधि के धर्म का आरोप करके क्या बोल दिया मैं सुखी हूँ। इसी प्रकार मन जब प्रतिकूल वस्तु को प्राप्त करते हैं तो मैं दुखी हूँ तो आत्मा की सामान्य अंश है मैं हूँ और विशेष अंश क्या होगा मन की धर्म ये सविकल्प व्यवहार होगा। इस सविकल्प व्यवहार में जिस उपाधि के साथ मिल करके व्यवहार करो उस उपाधि के धर्म मिल करके आप बोल देते हो इतना हमारी गलती हो इतना गलती हो इसलिए आप बोलते हैं कि समारोह तो संशिष्ट करें आदित्य की छह नंबर टिप्पणी में आविद्य के अहम सुखी आदि व्यवहार इतिहास अहम सुखी दुखी इस प्रकार के व्यवहार में क्या होता है उपाधि धर्म के साथ मिलकर के व्यवहार करके हम विशेष रूप में बोलते थे। सात नंबर टिप्पणी समारोपित समारोपित मतलब अध्यस्त समर्थ मतलब कहा जाएगा उसके ऊपर जो हम आरोप किया शुद्ध अधिष्ठान के ऊपर हमने शरीर के धर्म का आरोप कर दिया जो तादात्म संसर्ग अध्यास तादात्म संबंध से व्यवहार करते हैं अध्यासी तादात्म संबंध से शरीर के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है एक जड़ है एक चेतन है जड़ और चेतन में परमात्मा संबंध और संबंध नहीं है परंतु हम आरोपित संबंध मान करके हम व्यवहार करते हैं ना इसको यदि हम समझ जाते हैं व्यवहार कैसे हो रहा है तो आपके सामने क्या हो जाएगा सूक्ष्म शरीर आपका दृश्य बन जाएगा। जब सूक्ष्म शरीर दृश्य बन जाएगा तो आप अपने पास अच्छी तरह से दृष्ट रूप में समझ जाएंगे। इसलिए बोलते हैं समारोपित मतलब हो गया अध्यस्त ये अध्यस्त जो तादात्म संसर्ग मतलब आध्यासिक तादात्म संबंध संसर्ग मतलब संबंध इस आध्यासिक तादात्म संबंध के द्वारा वो विशिष्ट आकार में दिखाई पड़ता है कौन शुद्ध आत्मा नहीं विशेष आत्मा आध्यासिक तादात्म संबंध के द्वारा कारण क्या होता है विशेष रूप में प्रतीत ठीक है ना मतलब जो रज्जु सर्प रूप में कल्पना कर रहे उस रज्जु के साथ सर्प का क्या संबंध है कोई संबंध नहीं है फिर भी एक आध्यासिक तादात्म संबंध मतलब मन में है वो होते अध्यास करके वो दोनों एक हो गया जैसा तब हम बोल देते हैं ये सर्प है ठीक इसी प्रकार ये मेरे साथ मैं शुद्ध आत्मा के साथ इस शरीर का कोई संबंध नहीं कुछ भी संबंध नहीं शरीर इंद्र मन बुद्धि का तीनों कर्म में कभी ना कुछ संबंध था ना हो सकता है ना होगा परंतु इस आरोपित वस्तु के धर्म को जिस अधिष्ठान के ऊपर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आरोप करके हम लोग इसलिए आपको सुखी दुखी आदि हम लोग दिखाई पड़ता है समारोपित संस्कृत भ्रम विषय इसलिए भ्रम का विषय बन जाता है और विरुद्ध मैं बोला कि भगवान श्री कृष्ण कितना अच्छा एक शब्द में बोल दिया पुरुष प्रकृति स्थोही तेरह में आता है भगवान गीता के हमको लगता है कि 25 या 26 पहले भी होता है 19 प्रकृति के ऊपर स्थिर होकर के प्रकृति संबंधित गुण के साथ मिल करके बोला जाता है जब तक ये मिलावट रहता है कारणम गुण संघर्ष इस प्रकार गुण के साथ इसका संग आसक्ति अतः मिलापन सदस्य जोनि जन्म सदस्य जोनि के साथ एक जन्म लेने के लिए कारण ही बनता है। पुरुष क्या करते हैं ये बुद्ध जो मिला देते हैं यही उसके लिए अच्छा बुरा जोनि में जन्म लेने के लिए हेतु है। एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये अध्यास बात को इतना अच्छा तरह समझा है कि नहीं देखो पुरुषो प्रकृति स्थित भूमते प्रकृति जान होना कारण गुण संघर्ष सदस्य जोनि में जन्म इस प्रकार गुण के साथ संग्रोही इसका जो सदस्य जोनि में जन्म के लिए कारण है इसलिए बोलते हैं कि सुखी देना उक्त न्याय ध्यान उक्त न्याय आत्म प्रति के शुद्धत्वा
आप फिर सामने नहीं गए क्या? अच्छा आज लास्ट पर है क्या? पहला ठीक है पहला शुरू। अजमपि योगं प्रापदैश्वर्य योगा अगतिं चलति मत्तां प्रापदेकं हि अनेकं विविध विषय धर्म राहि मुग्धेक्षणानां प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म यत्तन मतोऽस्मि। शांति शंकर शंकराचार्य।